तुलसीदास जी रहते थे काशी में, वाराणसी नगरी है, रोज तब तो अटैच बाथरूम में सब नहीं होते थे, तो शौच करने के लिए लोटा लेके जाते थे, और जब लौट के आए तो थोड़ा बहुत पानी बचा रहता था तो एक झाड़ में डाल देते थे। उस झाड़ में एक ब्रह्म राक्षस रहता था, वो जल ले लेकर के बड़ा संतुष्ट हुआ। एक दिन तुलसीदास जी के सामने प्रकट हो गए, हे तुलसीदास जी, हम बहुत प्रसन्न हैं आपसे, जो वरदान चाहिए मांग लीजिए। तुलसीदास जी ने कहा, भैया हमने तो तुम्हारे लिए कुछ किया नहीं, जो तुम खुश हो गए। बोले, आप जो पानी डालते थे मैं उससे प्रसन्न हो गया, जो वरदान चाहिए मांग लीजिए। तुलसीदास जी बोले, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, हम जैसे हमें वैसा रहने दो, तुम जाओ अपना काम करो। अरे आप मेरी महिमा नहीं जानते, जो कहोगे मैं दे सकता हूँ, आप मुझे हल्के में मत लो महाराज, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। तो तुलसीदास जी बोले, जब तुम पीछे ही लग रहे हो तो भैया मांग लेते हैं। ऐसा है, हमारे हृदय आराध्य भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, श्री सीताराम चंद्र भगवान का हमें दर्शन करा दो। कई महाराज, ये मेरे बाप के भी बस की बात नहीं, मैं कहाँ से कराऊंगा। तो खत्म बात, हम तो पहले ही कह रहे हैं कुछ नहीं चाहिए, तुम ही लगे पीछे पीछे। बोले, मैं पता बता सकता हूँ आपको, आपको दर्शन हो जाएगा। अच्छा, कैसे होगा? महाराज, चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के तट पर एक सुंदर राम कथा हो रही है, और वहां पर सबसे पहले एक कोढ़ी आता है, शरीर से बदबू आती रहती है, और जहां सब लोग अपनी चरण पादुका उतारते हैं वहां पे बैठता है आकर, और जब सब चले जाते हैं तो आखिरी में वहां की धूल को भी सिर पे रख करके तब जाता है। आप उसका पैर पकड़ लेना, राम जी से मिला देगा। तुलसीदास जी बोले, इसकी बुद्धि हो गई खराब, अपना कोढ़ ठीक नहीं कर पा रहा, बदबू मारता घूम रहा है, वो भगवान से मिलाएगा। बोले, महाराज उपेक्षा मत करो मेरी बात की, वो कोढ़ी कोई सामान्य कोढ़ी नहीं, स्वयं श्री हनुमान जी महाराज हैं, भगवान की कथा सुनने को आते हैं। अब तो सुना तो तुरंत ही उठाया झोला झंडा और चल दिए। कथा का प्रारंभ हो चुका था, सब भक्त लोग कथा सुन रहे थे, भगवान की कथा वक्ता श्री व्यास जी सुना रहे थे। पीछे देखा तो एक सच में कोढ़ी बैठा था, बस उसी के पीछे गोस्वामी जी चुपचाप हाथ जोड़ के बैठ गए, कथा सुनी ही नहीं, बस उनको ही देखते रहे देखते रहे देखते रहे। कथा पूरी, सब उठे, सब चलने लगे। जब वो जाने लगे तो तुलसीदास जी भी पीछे पीछे चले, उन्होंने देखा ये आ रहे बाबा जी तो थोड़ा तेज चले, तो गोस्वामी जी भी थोड़ा तेज, वो थोड़ा और, तो तुलसीदास जी दौड़ के गए और चरणों में जाकर के लिपट गए। कहा, महाराज कृपा करिए। हनुमान जी छुड़ाने लगे, छोड़ छोड़ छोड़, तुझे भी कोढ़ हो जाएगा। बोले, बिल्कुल हो जाए, सड़ जाए शरीर, गल जाए, लेकिन जब तक कृपा नहीं करेंगे तब तक आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। इतना कहते ही श्री हनुमान जी महाराज ने अपनी दिव्य देह को प्रकट कर दिया। क्या चाहिए महाराज? तुम्हारे भजन राम को पावे, आप मिल गए, बस अब राम जी का भी ठिकाना बता दीजिए। बस इतनी ही कामना है कि भगवान को छोड़ करके मैं और कुछ भी नहीं चाहता। तुलसीदास जी ने कई जगहों पर कई देवताओं की वंदना की, देवताओं को छोड़ो खलों की भी वंदना की, खलों को भी प्रणाम करते हैं। हाँ, सहस बदन भर नहीं पर दोसा, बंदों खल पद शेष समेसा। खलों को भी प्रणाम करता हूँ, जो 1000 मुहों से जैसे शेष जी हैं, शेषनाग के 1000 मुख हैं, वो भगवान की स्तुति गाते हैं, ऐसे जो खल लोग हैं उनके भी 1000 मुख होते हैं। करते क्या है, दूसरे की चुगली करते, निंदा करते हैं, हम उनको ही प्रणाम। तो क्यों प्रणाम करते हैं? बोले, ताकि भगवान की कथा हम गा सकें। हनुमान जी से कहा, बस भगवान का एक बार दर्शन हो जाए और कुछ भी कामना नहीं, एक बार सामने से नजर मिल जाए, दो शब्द कुछ, हमारे बस में थोड़ी हैं भगवान। महाराज आपके सदा बस में हैं, भगवान अपने भक्तों के वश में होते हैं, आप कृपा करें। ठीक है, ऐसा है, कल कामदगिरी की परिक्रमा लगाना,
और ध्यान से लगाना, हो सकता है भगवान जरूर कल आपको दर्शन दे दें। अब हम प्रार्थना ही करेंगे, 100% तो नहीं कह सकते भगवान मिलेंगे, दर्शन होगा, भगवान किसी के नौकर तो हैं नहीं, निवेदन करेंगे ठाकुर जी से और कल आपको हो सकता है दर्शन मिल जाए। तुलसीदास जी तो फूले नहीं समाए, स्नान ध्यान किया और लगाने लगे परिक्रमा, सुबह से लेके शाम तक। वहाँ की परिक्रमा बहुत छोटी सी है कामतानाथ जी की, आप सब लगाएं, हम लोगों को 1 घंटा भी नहीं लगा लगाने में, जो थोड़ा धीरे चलते 2 घंटे में। तुलसीदास जी पुराना जमाना था, खूब तेज चलते थे और दिन भर में 50 परिक्रमा लगा ली। शाम हो गई, भगवान का दर्शन नहीं, बड़े दुखी होकर के आए और बैठ गए। हनुमान जी महाराज को पुकारा, कहा प्रभु, हे हनुमान जी, हनुमान जी प्रकट, महाराज आज आपने कहा था दर्शन होगा। हाँ तो दर्शन तो हुआ भगवान का। अरे कहाँ दर्शन हुआ? अरे महात्मा, हमने कहा था ध्यान से दर्शन करना, हम स्वयं लेके आए थे ठाकुर जी को। क्या बात कहते हनुमान जी, हमने तो खूब ध्यान दिया, कहीं दर्शन नहीं हुए। हनुमान जी बोले, अभी याद आएगा, रास्ते में काला घोड़ा दिखा था, हाँ हाँ, जिस पे 2 राजकुमार बैठे थे। बोले हाँ, वो घोड़े हम ही थे और हमारे ऊपर ही श्री लखनलाल जी के साथ श्री रामभद्र सरकार विराजमान थे, अब नहीं पहचान पाए तो हम क्या करें। तुलसीदास जी बोले, महाराज गलती हो गई 1 बार और। बोले अभी 1 बार क्या, तो मैं तो उंगली पकड़ाई, तुम तो खोपड़ी पे ही चढ़े जा रहे हो। बोले संसार ऐसा ही है, अब 1 बार और कृपा। देखिए भगवान सामने भी आ जाएं तो बिना गुरु की कृपा के भगवान भी पहचान में आने वाले नहीं हैं। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, भगवान को भी कोई पहचान नहीं सकता। ठीक है चलो देखेंगे। सुबेरे स्नान ध्यान किया, बोले गड़बड़ी हो गई, आज परिक्रमा लगाएंगे तो ध्यान से देखेंगे। हमने तो सोचा कि कोई राजकुमार है, क्या इसको देखें, हमारे राम जी आने वाले होंगे, और बताओ चक्कर में आ गए। अब पहचान जाएंगे, अब समझ जाएंगे। सोचते सोचते चंदन घिस रहे थे बैठ कर, छोटे छोटे 2 बच्चे आए वहां पर। बोले बाबा चंदन तो बहुत अच्छा घिस रहे हैं, बड़ी अच्छी खुशबू है, थोड़ा सा मिलेगा? तुलसीदास जी ने देखा तो इतना सौंदर्य दोनों का, मुग्ध हो गए। हनुमान जी बोले बता दो। नहीं बाबा, फिर शाम को चिल्लाएगा गला फाड़ करके। तोते का रूप धारण किया और बड़ा सुंदर एक कवित्व, एक दोहा सी हनुमान जी महाराज ने कहा, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर, सुनते ही तो भगवान के चरणों को पकड़ लिया। आहा, आज जीवन कृतार्थ हो गया, आज तो जीवन हमारा सुधर गया, जो आपके श्री चरणारविंद हमको प्राप्त हो गए। भगवान के भक्तों का यही स्वभाव होता है, भगवान के भक्तों की यही महिमा होती है। भगवान को छोड़ करके उनके लिए संसार में कुछ भी अपेक्षित नहीं है, उनके लिए कुछ भी दूसरी कामना नहीं है। यहाँ तो हनुमान जी देने वाले हैं, अरे हाँ भगवान भी प्रकट हो जाएंगे, अभी भागवत में ही सुनेंगे। भगवान के कहने पर भी भगवान के भक्त कुछ कामना नहीं करते। आप दर्शन दे रहे हैं, आपने हमें अपने योग्य बनाया, बस इससे बढ़कर के सौभाग्य जीवन में कुछ और दूसरा हो ही नहीं सकता।